क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा बौना ग्रह मौजूद है जहां पर कभी जीवन हुआ करता था। जी हां, यह खुलासा वैज्ञानिकों ने किया है, क्योंकि बहुत पहले तक उस बौने ग्रह को एस्टेरॉइड माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह खुलासा कर दिया है कि इस बौने ग्रह पर कभी महासागर हुआ करता था और उस महासागर में भी जीवन था। और हो सकता है कि जिस तरह का जीवन हमारी पृथ्वी पर है, वैसा ही जीवन कभी वहां भी हुआ करता होगा, लेकिन फिलहाल वो ग्रह बर्फ से ढका हुआ है। तो क्या उस बर्फ की मोटी परत के नीचे अभी भी किसी भी स्वरूप में जीवन मौजूद है? यही तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जिस ग्रह के बारे में बताया है, जिस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बताया है, वो दरअसल मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद है, और ये बौना ग्रह है सेरेस। नई रिसर्च ने सेरेस के बारे में बनी बनाई धारणाओं को तोड़ दिया है। इस बौने ग्रह के क्रैटर्स को देखकर ये माना जाता था कि यहां बहुत ज्यादा बर्फ नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने यहां की अधिकतम 30% सतह बर्फ से ढकी होने का अनुमान लगाया था, लेकिन नए रिसर्च ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सेरेस न सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है, बल्कि कभी यहां पृथ्वी की तरह कीचड़ वाली महासागरीय दुनिया रही होगी। आपको बता दें कि सेरेस को 1801 ईस्वी में इटालियन एस्ट्रोनॉमर्स म्यूसेग पियाजी ने खोजा था। इसे पहले स्टेरॉइड समझा गया और लंबे समय तक सेरेस की वही पहचान बनी रही। सेरेस मेन स्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। ये अपने चट्टानी पड़ोसियों से काफी बड़ा और काफी अलग है। 2006 में तमाम स्टडीज के बाद वैज्ञानिकों ने सेरेस को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह साबित कर दिया और उसे ये खिताब दे दिया। नासा ने जो इस पर रिसर्च किया उसके मुताबिक सेरेस हमारे आंतरिक सौर मंडल का इकलौता बौना ग्रह है। 2015 में नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट सेरेस पर उतरा और यह पहला बौना ग्रह बना, और यह ऐसा पहला बौना ग्रह बना जिसका किसी अंतरिक्ष यान ने दौरा किया। भले ही सेरेस का द्रव्यमान एस्टेरॉइड बेल्ट के कुल द्रव्यमान का 25% हिस्सा हो, फिर भी प्लूटो इससे 14 गुना बड़ा है। अगर सेरेस के रेडियस की बात करें तो यह 476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के रेडियस का 13वां हिस्सा है। 257 मिलियन मील की औसत दूरी से सेरेस सूर्य से 2.8 खगोलीय इकाई की दूरी पर है, यानी कि ये जो दूरी है ये 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक खगोलीय इकाई, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा जाता है, और इसी एक इकाई जो होती है ये, वो होती है सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, यानी सेरेस तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 22 मिनट लगते हैं। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सेरेस की सतह पर काफी सारा पानी और बर्फ मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि सेरेस की सतह के पास बहुत अधिक जल बर्फ है, यानी कि ये जो बर्फ बना है वो पानी से ही बना हुआ बर्फ है, और जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं इसकी बर्फ धीरे धीरे कम होती जाती है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि अरबों साल के दौरान
पानी की मौजूदगी के चलते उसके क्रेटर विकृत हो गए होंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि लोग सोचते थे कि अगर सेरेस इतना ही बर्फीला था तो क्रेटर समय के साथ तेजी से खराब होते, जैसे धरती पर ग्लेशियर बहते हैं। हालांकि हमने अपने सिमुलेशन के जरिए ये दिखाया है कि अगर आप थोड़ी सी ठोस चट्टान मिला दें तो सेरेस की परिस्थितियों में बर्फ पहले की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हमारा निष्कर्ष ये है कि सेरेस कभी यूरोपा की तरह एक महासागरीय दुनिया हुआ करती थी, लेकिन इसका महासागर गंदा और कीचड़ से भरा था। इस टीम ने अलग अलग क्रस्ट संरचनाओं का टेस्ट किया और पाया कि सतह के पास भारी मात्रा में बर्फ की मौजूदगी है। सेरेस की सतह पर दिखाई देने वाले क्रेटरों को फिर से बनाने के लिए ये बर्फ जो था वो बहुत ही सर्वोत्तम थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि उनकी नज़र में सेरेस ब्रह्मांड में सबसे सुलभ बर्फीली दुनिया है। तो वैज्ञानिकों ने जो कुछ और साक्ष्य दिखाए हैं और जो खुलासा किया है उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वहां पर भी जब कीचड़ वाले महासागर मौजूद थे तो उस दौरान वहां पर जीवन किसी न किसी स्वरूप में मौजूद रहा होगा। और जैसे जैसे वहां का तापमान कम होता गया, जैसे जैसे वो बर्फ की दुनिया बनता गया, वैसे वैसे वहां पर जीवन का अस्तित्व खत्म होने लगा और अब वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ एक ड्वार्फ प्लैनेट है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि बर्फ की सतह के नीचे पानी अभी भी तरल अवस्था में मौजूद हो और वहाँ पर जीवन किसी न किसी स्वरूप में मौजूद हो। लेकिन इसके लिए आने वाले दिनों में वैज्ञानिक कुछ नए मिशन चलाने वाले हैं जिससे वहाँ से जो भी परिणाम मिलेंगे, जो भी डाटा मिलेगा, उसका एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिक इस ठोस नतीजे पर पहुँच पाएंगे कि क्या वाकई अभी भी वहाँ जीवन मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।